अस्सलाम वालेकुम, रबे की किचन में आप सबका स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बनाएंगे रबे के किचन में चिकन पीरी पीरी फ्राई, जो घर के मसालों में ही बनके तैयार होती है। चिकन पीरी पीरी का जो टेस्ट मसालों के साथ आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, जायकेदार और चटाकेदार, तो इसलिए आप लोग इसको एक बार जरूर ट्राई करना। तो चलते हैं बनाने की तरफ। चिकन पीरी पीरी मसाला बनाने के लिए ये कुछ मसाले लगेंगे। तो ये है लाल शिमला मिर्ची, ये है आधा चॉप किया हुआ प्याज, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लेना, मैंने आधा चम्मच ली हूँ, और ये है एक छोटे नींबू का रस, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ लेंगे, आधा चम्मच छोटा शक्कर का लेंगे और थोड़ी सी इमली लेंगे, और ये है तीखी वाली 2 लाल मिर्च और कश्मीरी 2 लाल मिर्च, जिसको मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो कर रखी थी, और ये है थोड़ी सी कोथमीर, आधा छोटा चम्मच लेंगे ऑरिगेनो का, तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर लेंगे 1 छोटा चम्मच। अभी आप सब मसालों का स्क्रीनशॉट ले लेना और सभी मसाले पीसकर मैं आपको बताती हूँ। अब डालेंगे शिमला मिर्च और आधी प्याज, लहसुन की कलियाँ, मिर्ची, इमली, शक्कर, नींबू का रस, नमक, ऑरिगेनो, मिर्ची पाउडर, कोथमीर, 2 चम्मच ऑलिव ऑयल के डालेंगे इसमें पीसने के टाइम, और अच्छा सा एक फाइन पेस्ट पीस लेंगे। तो ये हमारा रेडी हो चुका है चिकन पीरी पीरी मसाला। खट्टा मीठा चटकारे वाला टेस्ट है इसमें और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो चलते हैं अब हम लोग चिकन को मैरिनेशन करने की तरफ। तो ये है आधा किलो चिकन, बोनलेस चिकन है, आप लोग ब्रेस्ट पीस का चिकन ले सकते हैं, और जिस तरह से मैंने चिकन की बोटी रखी हूँ, आप लोग छोटी बड़ी जो भी है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब चिकन में ये मसाला डाल देंगे, हमारा पीरी पीरी मसाला, और डाल के इसको अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे हाथों की मदद से, अच्छे से मसल कर, और इसको आधे घंटे के लिए हम लोग रेस्ट करने के लिए रख देंगे। अब इसको आधा घंटा रख के हो चुका है, अब चलते हैं फ्राई करने की तरफ। अब लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 3 चम्मच बड़े भर के तेल के। अब चिकन के एक एक पीस करके हम लोग इसमें फ्राई कर लेंगे। दो से तीन मिनट हमारा चिकन नीचे से अच्छे से पक चुका है, अब इसको हम लोग पलटी कर लेंगे। तो ये हमारा चिकन ऊपर नीचे से अच्छे से पक चुका है, अब इसको एक प्लेट में मैं निकाल के आपको बताती हूँ। तो ये बहुत ही चटपटा और जूसी बन के रेडी हो चुका है, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी चिकन की रेसिपी है ये, आप लोग ओवन में भी बना सकते हैं। अगर आप लोग तंदूर में बनाना चाहते हैं तो आप लोग तंदूर में भी इसको बना सकते हैं और ओवन में भी बना सकते हैं, जैसा चाहे आपकी मर्जी, आप लोग उसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। तो आप लोग देख रहे हैं हमारा चिकन कितना सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनके रेडी हो चुका है, तो आप लोग भी इसी तरह एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को, बनाकर मुझे एक फ़ोटो इसकी भेज देना नीचे दिए गए नंबर पर। तो इसी तरह से और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं आपको बना के बता दूँगी। तो इसी तरह से और अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।